हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्नोट्यूब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं V8 स्मार्ट वॉच को यूज़ करते हुए आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से इन वॉचेस में लॉक को आप जो है लगा सकते हो, इन वॉचेस को आप लॉक कर सकते हो, इसमें किस तरीके से जो है आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हो, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज, अभी जो मेरे हाथ में वॉच है, ये गाइज नई वाली स्मार्ट वॉच है जो मैंने नए वर्जन की खरीदी है, V8 स्मार्ट वॉच, वो है गाइज मेरे पास। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें जो है आप जो है लॉक लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। उस सिक्योरिटी के ऑप्शन में गाइज आपको यहाँ पर पिन, मॉडिफाई पिन और गाइज मॉडिफाई प्राइवेसी पासवर्ड के नाम से जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें से हम लोग को जो है मॉडिफाई प्राइवेसी पासवर्ड पर जाना है। यहाँ पर आपकी जो स्मार्ट वॉच होगी उसमें पहले से एक पासवर्ड डाला होगा, वो पासवर्ड है गाइज 11N22। ये कंपनी की तरफ से डाला होता है, तो इसको आपको डाल देना है। इसको डालने के बाद आप जो है न्यू पासवर्ड अपना सेट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं जो है अपना एक न्यू पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2004, जो कि मेरे डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है। तो डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर है मेरा 2004, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड में एज अ टेस्ट पासवर्ड, टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने जो अभी पासवर्ड डाला था उसको यहाँ पर दोबारा से री एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से री एंटर कर दे रहा हूँ, और उसके बाद गाइज यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐप्स के नाम शो कर देंगे जो कि आपके स्मार्ट वॉचेज में होंगे, तो इन सभी पर आपको जो है टिक कर देना है। ये एक्चुअली वो ऐप्स हैं जिन पर जो है आप जो है लॉक लगाने वाले हो। इसके बाद इन सभी ऐप्स को जब भी आप ओपन करोगे तो आपको जो है लॉक का मेन्यू है वो शो करेगा, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइज इसको मैंने लगा दिया है। अभी इनमें से कोई एक ऐप मैं ओपन करके देख लेता हूँ। डायलर में ये मैंने नहीं लगाया था, कॉल लॉग्स में लगाया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कॉल लॉग्स में यहाँ पर जो है मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। और गाइज बिना पासवर्ड के कोई भी बंदा आपका कॉल लॉग्स नहीं चेक कर पाएगा कि आपने किससे बात की है, ये चीज़ वो नहीं चेक कर पाएगा। तो यहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड कुछ इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से आप जो है स्मार्ट वॉचेस के अंदर ऐप लॉक लगा सकते हो, एक एक ऐप को जो है आप लॉक कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो प्राइवेसी है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगी। ये नए स्मार्ट वॉच का फीचर है, पुराने स्मार्ट वॉचेज़ में ये फीचर नहीं था। अभी आपको मैं कंपेरिजन भी दिखाऊँगा पुराने वाले स्मार्ट वॉच में किस तरीके का लॉक सिस्टम था और नए वाले में किस तरीके का है। तो गाइज यार, यहाँ पर करके आप जो है प्राइवेसी वाले में इसको ऑन कर लेना, तब जा करके आपके जितने भी ऐप्स हैं स्मार्ट वॉच में वो सभी जो है लॉक हो जाएंगे। और गाइज यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको इसको दोबारा से यूज़ करना है तो आपको स्मार्ट वॉच को ऑफ करना पड़ेगा। तो गाइज यार, अपने स्मार्ट वॉच को बिना ऑफ किए अगर आप दोबारा से उसको ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर स्विच ऑफ करना है। अभी गाइज जो हमारे हाथ में स्मार्ट वॉच है, ये गाइज पुरानी वाली V8 स्मार्ट वॉच है, मेरी पहली स्मार्ट वॉच है जो कि मैंने अपनी मतलब अभी तक पूरी लाइफ में खरीदी थी। तो ये सबसे पहली हमारी स्मार्ट वॉच है। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का लॉक रहता है, और इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ। ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। और गाइज यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइज, जा करके तुरंत से जो है सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। अभी यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पर इनपुट फ़ोन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड पहले सेट किया था, मेरे को याद है वो था गाइज 4x0, तो वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और गाइज हमारा जो फ़ोन है वो लॉक हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन सिक्योरिटी में यहाँ पे फ़ोन लॉक का ऑप्शन था, जहाँ पर जा करके मैंने जो है 4x0 डाल करके पुराना वाला पासवर्ड, उसके बाद इसको जो है मैंने लगा लिया है। अभी जो है गाइज मैं इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं अपना जो है बर्थ ईयर डाल देता हूँ 2004, और उसके बाद गाइज यहाँ पर भी मैं इसको ओके कर लेता हूँ। उसके बाद एक बार और इसको जो है मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको भी कंफर्म कर लिया है। इसको करने के बाद जो हमारा जो पासवर्ड था वो गाइज दोबारा से रीसेट हो जाएगा, 4x0 से ये अब 2004 पे रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ अपनी स्मार्ट वॉच को। उसके बाद फटाक से इसको जो है हम लोग ऑन करेंगे। और गाइज यहाँ पर ऑन करते ही जो यहाँ पर मेन्यू आएगी सबसे पहली, वो यही होगी कि आपको जो है अपना पासवर्ड डालना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने स्मार्ट वॉच को ओपन कर लिया है। और गाइज ऑन करते ही यहाँ पर देख सकते हो इनपुट फ़ोन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 3 ट्राइज मिलती हैं, 3 बार गलत कर दिए तो आपका स्मार्ट वॉच चला जाएगा। उसके बाद बस एक ही ऑप्शन आपको बचेगा, वो है गाइज PC से कनेक्ट करो, इसका जो वर्जन है, जो भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिलीट करो और दोबारा से इसमें रूट करके दोबारा से इसमें जो है OS डालो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में काफ़ी अलग अलग फीचर हैं। पुराने वाले में पूरी की पूरी वॉच जो है हमारी लॉक हो जाती है, लेकिन वहीं पर हमारी जो नई वाली स्मार्ट वॉच है उसके अंदर गाइस सिर्फ और सिर्फ ऐप लॉक होते हैं, या फिर जो भी ऐप आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड हैं सिर्फ वही सब जो है लॉक होते हैं। तो यहाँ पुराने वाले में जब मैंने इसको ओपन कर दिया है तो यहाँ पे मैं एक एक फ़ीचर जो है वो यूज़ कर पाऊँगा वॉच का। वहीं पे जो हमारा नया वाला वर्जन है उसके अंदर गाइज़ यहाँ पर एक बार जो हमने वॉच को ऑन कर लिया, अगर स्विच ऑन कर लिया है तो उसके बाद गाइज़ काफ़ी सारी फीचर्स हम यूज़ कर पाएंगे, जैसे डायलर वगैरह, कैमरा वगैरह। लेकिन अगर आपको वहीं पे अगर कॉल लॉक्स चेक करना है तब आपको जो है प्राइवेसी का पासवर्ड डालना पड़ेगा, और एक बार डालने के बाद जो प्राइवेसी का पासवर्ड है वो गाइज़ पूरी वॉच में रीसेट हो जाता है। उसके बाद जब आप वॉच को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करोगे तब जा करके दोबारा से ये काम करने वाला है। तो अगर आप अपनी स्मार्ट वॉच को यूज़ कर चुके हो तो उसको स्विच ऑफ करना मत भूलना, नहीं तो गाइज़ कोई और भी आपके कॉल लॉग्स को चेक कर पाएगा। तो गाइज़ जब भी आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करोगे अपने स्मार्ट वॉच को तब जा करके जो कोड है ना वो दोबारा से वर्क करना स्टार्ट करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कोड जो है दोबारा से वर्क करना स्टार्ट कर चुका है, प्राइवेसी पासवर्ड हमारा वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने इसको एक बार इनपुट कर दिया है उसके बाद अगर मैं इसको स्विच ऑफ ना करता तो गाइज़ ये वैसा ही रहने वाला था और कोई भी इसको जो है देख सकता था। तो गाइज़ ये था कंपैरिजन नए वाले वर्जन और पुराने वाले वर्जन के स्मार्ट वॉचेज़ में किस प्रकार के हमको लॉक्स मिल जाते हैं। फिलहाल गाइज़ इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर माय फ्रेंड्स। और अगर आपके मन में कोई भी आइडिया हो वीडियो से रिलेटेड तो बता देना, उस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।